अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका मेज़बान फिलहाल सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं ट्रेंड पी के। एक मरतबा फिर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मल्टी लैपटॉप्स, जो कि तमाम लैपटॉप्स, टैबलेट्स और लैपटॉप की एक्सेसरीज़ में डील करते हैं। ये बैठे हुए हैं शॉप नंबर 88 ग्राउंड फ्लोर ट्रस्ट प्लाजा सरगोधा पर, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर मुबशिर, जो हमें हमारे पास काफ़ी सारे लैपटॉप्स हैं, एप्पल के हैं, डेल के हैं, इनकी वन बाय वन स्पेसिफिकेशन, एचपी के हैं वन बाय वन स्पेसिफिकेशन, और इनकी प्राइसेस वगैरह क्या हैं, इनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ये सब हमारे साथ ये शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारे पास जो ये लैपटॉप हमारे नज़र आ रहे हैं हमारी ऑडियंस को, वन बाय वन अगर आप तरतीब से इनके ऊपर कुछ टाइम इन्वेस्ट करें और बताएं कि इनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, अगर ऑफिस वर्किंग ज़्यादा है तो कौन सा बेहतर है, अगर स्टूडेंट हैं तो कौन सा बेहतर है, इन सब चीज़ों को अगर आप माइंड में रख के हमसे हमारी ऑडियंस से शेयर करें। अगर ऑफिस वर्किंग के लिए आप लेना चाह रहे हैं, ऑफिस वर्किंग पे ये नहीं डिपेंड करता कि आप एक्स्ट्रा रेंज में भी जाएं, इनसे भी नॉर्मल रेंज में बेसिक पड़ी है मेरे पास साइड पे भी, वो सेकंड थर्ड जनरेशन उन पे भी काम हो सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर 10 क्लास से ऊपर है उनके लिए ये पड़ी है, 6 जनरेशन पड़ी है, ये है मॉडल है 840G3 है, इसमें फिर 7 जनरेशन है वो 840G4 है, और इनके अंदर तकरीबन सब में DDR4 रैम 8GB है, 16 भी है, और SSD बेसिक इनमें आती है ज़्यादा, और बेहतर यही है कि जो भी ले SSD के साथ लेना चाहिए, SSD के साथ परफॉर्मेंस वाइज और चलने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो दूसरा इनकी जो डाटा स्टोर करने के लिए कैपेबिलिटी कितनी है, हाई डेफिनेशन स्क्रीन्स वगैरह हैं, कीबोर्ड कितना मतलब कह लीजिए नरम है, स्मूथ है, इनके बारे में अगर बात करें। इनका कीबोर्ड बिल्कुल स्मूथ है, बैकलाइट भी है, बैकलाइट के बगैर भी आता है, और स्क्रीन इनमें तीन कैटेगरी की आती है, एक आती है फुल HD है, 720 भी आती है, और 3K में भी है। ठीक, अगर कहें कोई टच में भी कहेंगे, टच में भी अवेलेबल है इनमें सेम। ठीक है, मतलब कि तीन वैरायटी में, टच के बगैर है, फुल HD में भी है और 720 में भी है। अच्छा, एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा था कि कितनी हाई डेफिनेशन वीडियो को सपोर्ट कर लेता है ये? 4K 1080 सपोर्ट करेंगे। 4K, और अगर इनकी प्राइस हमारे स्टूडेंट के लिए मतलब आप कह रहे हैं बेहतर है ये, मतलब इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने असाइनमेंट्स बनानी होती हैं ज़्यादातर, तो अगर उनको गेम्स भी खेलते हैं काफ़ी मामला, उनके लिए ठीक है। तो इनकी प्राइसेस वगैरह काइंडली शेयर कर दें सर। प्राइसेस ये वाली जो है ना 6th generation ये है, इनमें 40 से 60 की रेंज में बन जाते हैं, इसके अंदर 7th generation भी आ जाएगा, जैसे ये 840G3 मॉडल है, ये 8GB 256GB SSD के साथ आम हर कस्टमर की डिमांड होती है, ये बनता है 53-54 के राउंड बन जाता है, 53,000 या 54,000 के राउंड। अच्छा, ये बताएं क्या ये बिल्कुल न्यू लैपटॉप्स हैं या थोड़े से इस्तेमाल हुए हुए हैं? सर देखने में नए जैसे हैं, बस ये है कि ये बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, एक होता है ये लोकल इस्तेमाल नहीं, कस्टमर यूज नहीं, ये बाहर की इम्पोर्ट वाला सारा सामान है। इनमें ये है कि बोर्ड की A+ वारंटी होगी, वो कोई मसला मसाइल हो हम 1 वीक का बैकअप देते हैं, अगर लैपटॉप कोई कस्टमर कहता है जी रिपेयर है हम वो रिटर्न कर देते हैं। बेहतर। अच्छा मुबशिर साहब, ये बताइएगा, ये तो हो गए स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास लैपटॉप, मतलब स्टूडेंट्स के लिए इतनी रेंज में, क्या स्टूडेंट के लिए इससे कम रेंज में भी है आपके पास, उसके ऊपर बात करते हैं फिर हम ऑफिस वर्किंग की तरफ जाते हैं। कम रेंज में वही मैंने आपसे पहले बात की है कि कम रेंज में 2nd, 3rd generation, 4th generation वही नफा है, मतलब कि कस्टमर लिखिए वो बहुत बेहतर है। ठीक है, उसमें 4GB 320 हार्ड डिस्क के साथ अगर SSD के साथ भी लेना चाहें वो थोड़ा सा फ़र्क होता है अमाउंट में, वो भी आप करवा सकते हैं कि चेंजेबल चीज़ें हैं जी। बेहतर। अच्छा, हमें हमारी ऑडियंस को नज़र भी आ रहा है कि हमने तो HP पे बात कर ली, अब ये हमारे पास एप्पल के कुछ लैपटॉप्स अवेलेबल हैं, इनको अगर आप वन बाय वन इनकी प्राइसेस, इनके स्पेसिफिकेशन शेयर कर दें। मेरे पास पहले जो पड़ी है ये पड़ी है मैकबुक प्रो है, ये 13 इंच में है, 2016 मॉडल है। अच्छा। इसमें i7 प्रोसेसर है और 8GB रैम 512 SSD के साथ है, 8GB रैम, ओके। और साइकिल इनके ये कि 270-300 इतना साइकिल होता है। ठीक है, और अगर इसके बाद सेकंड पे जो आ रहा है इसके ऊपर बात करें, ये मैकबुक एयर है, ये ऑफिस वर्किंग के लिए आप सिंपल ऑफिस पे अगर यूज़ करते हैं कि लाइफ टाइम बैटरी के 10 घंटे कम से कम चले, वो मैकबुक एयर बेहतरीन है। इस पे ये है कि आप इस पे कहते हैं कि बैटरी हमें चाहिए 10 घंटे, वो ये दे सकती है मैकबुक 10 घंटे बैटरी टाइमिंग ये दे सकती है मैकबुक एयर जो है, बेसिक ऑफिस वर्किंग के लिए बहुत बेहतर है और चलने में बहुत आला है, इनमें कोई इशू आता ही नहीं कि चलने में कोई मसला मसाइल करे, एप्पल में है ही नहीं। एप्पल में हाँ, बल्कि ये देखा गया है बिल्कुल कि एप्पल में इस तरह हैंग वगैरह होना या स्लो डाउन हो जाना, वर्किंग स्मूथ और फास्ट है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा मुबशिर साहब, थर्ड पे आ रहा है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, इसकी प्राइस वगैरह? सेम ही है, सिर्फ इसमें प्रोसेसर का फर्क है। अच्छा। ये वो पहले वाला
ये i5 में है, ये i7 में है, स्पेस तकरीबन दोनों में सेम है, 8GB 512 के साथ है। और सिर्फ ये जो i5 वाली थी ये बनती है 82,000 की, जो i7 है वो 95,000 की है। 90 मतलब थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन चेंज है और कुछ प्राइस में प्लस हुआ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये डेल हमारे पास शुरू हो चुका है। डेल के ऊपर थोड़ी सी बात कर ले, या यहाँ पर जो बेहतर है स्टूडेंट ऑफिस वर्किंग या पर्सनल हमने गिफ्ट करना है बच्चों को गेमिंग के लिए, इस तरह का कोई लैपटॉप है जिसमें गेम वगैरह भी अच्छी खेली जा सके? जी, ये मेरे पास पड़ी है डेल में, ये डेल प्रसीजन है बेसिक, ये 16GB रैम 512 SSD आती है इसमें, ये 4K सपोर्टेड है और 4K पैनल आता है, टच में भी आता है और सादा में भी है, इसमें 4GB ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड चार्ज, ठीक है। और जो सेकंड पे पड़ा है हमारे पास डेल में, ये इसके बारे में, ये 8th generation में है, i7 है, प्रसीजन 3520 मॉडल है, 5530 मॉडल है, ये 5530 मॉडल है, इसमें 4GB ग्राफिक्स कार्ड है और 8GB रैम है और 512 SSD है। और इसकी प्राइस क्या होगी? ये बनती है 1,47 की, 1,47,000 रुपये, ठीक है। और ये कौन सी कंपनी है, मैं भी इसको नहीं जानता, ये जो ऊपर ये भी HP के न्यू मॉडल आए हैं, ये भी अब लोगों इन्होंने HP में न्यू इंक्लूड किया कि पहले गोल वाला था ये चल रहा था, अब उन्होंने ये डिजाइन दिया है नए मॉडलों में, 8th generation से जो ऊपर है उनका डिजाइन ये आ रहा है। अच्छा अच्छा, उन्होंने अपना मतलब कह लीजिए 8th generation से ऊपर वाले जितने लैपटॉप्स हैं उनका लोगो चेंज कर दिया है, मतलब कह लीजिए एक नई ब्रांडिंग कर दिया उन्होंने, और अच्छी बॉडी भी दी है, मेटल बॉडी है, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे हैं, और इसमें ये है कि स्क्रीन क्वालिटी IPS डाल दी उन्होंने, रैम 16 32GB तक इसमें लग सकती है, और इसमें ऑप्शन है SSD आप जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं, M2 लगती है इसमें, और बैटरी 5 घंटे प्लस होती है इसकी। अच्छा, ये एक सवाल मेरा था, इन लैपटॉप में भी आपने बताया था इसमें 10 घंटे की है, ये 10 घंटे ऑफिस वर्क की, मतलब हम टाइपिंग कर रहे हैं कुछ देख रहे हैं या वीडियोग्राफी, अगर वीडियो भी देख रहे हैं तभी, अगर वीडियो भी करते हैं 7-8 घंटे ये इजी निकाल जाती है, मतलब हम मूवीज देख रहे हैं या वीडियो एडिटिंग का कोई काम कर रहे हैं इतनी निकाल जाती है। मैकबुक एयर जो प्रो है ये आधा आधा फर्क होता है, जैसे ये 4 घंटे है वो 8 घंटे निकाल जाती है। जी बेहतर बेहतर। और मजीद अगर इनकी प्राइस वगैरह आप हमसे शेयर कर दें। इसमें 2 कैटेगरी का, इसमें एक 7th generation आता है, 840G5 मॉडल है, और 840G5 में 8th generation और 7th generation है, 7th generation वाला वो बनता है तकरीबन 70,000 का। अच्छा। और जो 8th generation है वो 80,000 लगभग बन जाता है लगभग। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि हमारे पास जो लैपटॉप की रेंज आपकी इस शॉप पे स्टार्ट हो रही है वो 30,000 से अबव है या इससे नीचे भी है, मतलब सिंपल वर्किंग के लिए अगर कोई लेना चाहे? नहीं, लैपटॉप उस पर डिपेंड करता है, असल जो अब जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं बेसिक जो 20+ लैपटॉप है ना जी जी, वो ही बेहतर है, इससे नीचे वाले अगर आप सिंपल टाइपिंग खर्चा ही करवाता रहेगा वो ही है, ऐसे ही है, वो एक तो तंग करेगा, बैटरी बैकअप नहीं होगा उसका, अगर लैपटॉप अच्छा है तो 30+ अच्छे लैपटॉप स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उनकी लाइफ भी अच्छी होगी, बेहतर होगी, ठीक है। मैं लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो डेल का हमारे पास पड़ा है गोल्डन, इसमें इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन हमारी ऑडियंस से शेयर कर दें। ये डेल की लैपटॉप है, टॉप क्वालिटी XPS है, ये मतलब के टॉप क्वालिटी पे जाती है डेल की। अच्छा। और खूबसूरत लैपटॉप है, ये बॉर्डरलेस स्क्रीन होती है इसकी, मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये चीज़ है बिल्कुल, मतलब कि स्क्रीन बॉर्डर इसका स्टार्ट हो रहा है, 8th generation i7 मॉडल, आगे कर ले, ये i7 8th generation है, म�model XPS 9380 मॉडल है ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं, ये बड़ा ब्यूटीफुल नजर आ रहा है, बिल्कुल स्लिम लैपटॉप है, इसमें 6th generation से 8th generation तक हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप ऑडियंस, लैपटॉप में आपकी तरफ कर रहा हूँ कि ये बड़ा बेहतरीन लैपटॉप है अगर हम इसको लेना चाहें तो। फ्रेंड, हमने आज की वीडियो में यही देखा कि हमने डिफरेंट HP के, Apple के और Dell के लैपटॉप्स का कंपैरिजन भी किया, इनकी प्राइसेस वगैरह देखी, इनके स्पेसिफिकेशन वगैरह देखी। मजीद हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, क्या आपकी जो मल्टी लैपटॉप्स है कोई डिस्काउंट पॉलिसी भी है स्टूडेंट्स पैकेज जैसे होते जी, हैं? जी बिल्कुल है, इसमें इसमें डिस्काउंट है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी ऑडियंस से अपने ऑफिस की शॉप की टाइमिंग और आप कब से कब तक अवेलेबल हैं और कौन से डे ऑफ होती है, ये सब चीज़ें शेयर कर दें। ऑफिस का एड्रेस किधर है? हमारा मल्टी लैपटॉप ट्रस्ट प्लाजा सरगोधा में है, ग्राउंड फ्लोर पे 88 नंबर शॉप है, और हमारा जो ओपनिंग टाइम है सुबह 10 से शाम 8 बजे तक है, और फ्राइडे को ऑफ होती है। फ्राइडे को ऑफ है, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक अवेलेबल हैं, और शॉप नंबर 88 ग्राउंड फ्लोर ट्रस्ट प्लाजा सरगोधा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई और अच्छी बेहतरीन वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और ट्रेंड पीके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।